हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कई सारे फ्रेंड्स ने मुझसे कहा था कि किस तरह से मैं अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करती हूँ, ये बताऊँ। तो आज मैं वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से अपने फ्रिज को मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अपने फ्रिज का एक मैं टूर कराऊँ या किस तरह से उसे ऑर्गेनाइज कर रहा है मैंने वो दिखाऊँ। तो बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, आप सबकी रिक्वेस्ट को पूरा किया। तो इसी तरह मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि आपको और किस तरह के वीडियोस चाहिए। तो देखते हैं कि किस तरह से मैंने अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करके रखा है। ये 4 स्टार रेटिंग है और स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर 10 ईयर वारंटी के साथ में है। और इसके जो टॉप को मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर जो है मैंने एक नेट का पतला क्लोथ डाला हुआ है ताकि जो हीट है फ्रिज की वो आसानी से पास आउट हो सके, इसलिए मैंने नेट का पतला सा क्लोथ डाला हुआ है। उसके ऊपर में मैंने यहाँ पर महाराणा प्रताप जी का एक स्टेचू रखा हुआ है और 2 टी लाइट होल्डर्स प्लेस किए हुए हैं। और आगे में यहाँ पर मैंने टी लाइट होल्डर के आगे एक ग्लास का टर्टल रखा हुआ है और वहां पीछे में एक छोटी सी बास्केट रखी हुई है और इस बास्केट में हम अपने सारे मोबाइल फोन्स रखते हैं ताकि वो हमें आसानी से मिल जाए और यहाँ वहाँ हमें घर में ढूंढने ना पड़े। और इस तरह से मैंने अपने फ्रिज का जो टॉप है वो डेकोरेट करके रखा हुआ है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको फ्रीजर एरिया दिखाती हूँ। ये मेरा फ्रीजर का एरिया है। यहाँ पर मैंने जो है इस तरह से मैट्स डाला हुआ है। ये फ्रिज मैट्स आती हैं, मार्केट में मिलती हैं। ये मैंने पूरे फ्रिज में प्लेस की हुई हैं और यहाँ मैंने फ्रीजर एरिया पे भी डाल रखी हैं। और अगर आप चाहें, अगर आपको फ्रिज मैट्स नहीं मिलती हैं तो जो डाइनिंग टेबल पे डालने वाली टेबल मैट्स मिलती हैं आप वो भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और दिखाती हूँ अब मैंने यहाँ पर किस तरह से सामान अपना जो है ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले डोर एरिया मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे अपने स्पाइसेस रखे हुए हैं जो मैं रेगुलर बेस पे यूज नहीं करती हूँ, जो कभी कभी यूज होते हैं, जैसे पाव भाजी मसाला है, छोले मसाला है, चिकन मसाला है, जीरा पाउडर है और सांबर पाउडर है। और एक ये खाली कंटेनर है। अगर आपको मेरे स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन में आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से स्पाइसेस अपने ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं। और यहाँ पर मैंने देगी मिर्च रखी है, कसूरी मेथी रखी है। इस तरह से मैंने यहाँ पर सारे जो मसाले हैं वो यहाँ पर मैंने स्पाइसेस अपने ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं। और इस एरिया पे मैंने यहाँ ये आइस एरिया है, ये देखिए यहाँ ये एरिया मैंने आइसक्रीम के लिए छोड़ा हुआ है। अभी यहाँ पर जो है मैंने कुछ जो इडली के राइस बोलते हैं या इडली का जो रवा बोलते हैं वो प्लेस किया हुआ है। ये यहाँ मुझे आसानी से नहीं मिलता है इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लेके आई हुई हूँ, तो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है स्टोर करके। और इस बास्केट में मैंने काजू और बादाम, जो एक्स्ट्रा मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं, वो मैंने सब यहाँ पर प्लेस करे हुए हैं। ताकि ये मेरा फ्रीजर पार्ट था। अब मैं आपको मेन फ्रिज जो पार्ट है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने वहां पर ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो ये है मेरा फ्रिज एरिया। सबसे पहले मैं आपको फ्रिज पार्ट दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ देखिए, यहाँ पर भी मैंने देखिए इस तरह की मैट्स प्लेस की हुई हैं पूरे में। ये जो मैट है, आप इससे क्या है ग्लास वगैरह भी गंदा नहीं होता है और फ्रिज जल्दी गंदा नहीं होता है, इसलिए मैंने ये यहाँ पर प्लेस किए हुए हैं। दिखाती हूँ सबसे पहले मैं आपको कि सबसे पहले जो टॉप शेल्फ है यहाँ पर है, इसमें मैंने अपना यहाँ पे लेफ्ट ओवर आटा रखा हुआ है। और ये जो एरिया है यहाँ पे पनीर वगैरह जो एक्स्ट्रा चेंज होता है ये एरिया, इसलिए यहाँ पर मैं पनीर जो बटर वगैरह होता है वो यहाँ पर मैं प्लेस करती हूँ। नेक्स्ट शेल्फ में जो है यहाँ पर मैंने ये इस कंटेनर में मैं अपनी मलाई रखती हूँ, जो एक्स्ट्रा मलाई बचती है वो
और यहाँ पर मैंने दूध प्लेस किया हुआ है। दूध मैं प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखती हूँ, इस तरह के स्टील के बर्तन में आप रखिए, या तो ग्लास के बोतल में अगर आपको रखना है। प्लास्टिक की बोतल में दूध नहीं रखना चाहिए। और इस तरह से लिड लगाकर मैंने इधर इसको प्लेस किया हुआ है, यहाँ पे दूध रखा हुआ है मैंने। और यहाँ नीचे वाले में मैंने जो है ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स हैं, जैसे गोभी है, केला है, ये मैं इनको वॉश करके नहीं रख सकती थी, इसलिए मैंने इन्हें इस तरह पॉली बैग में, जिप लॉक बैग में पैक करके रख दिया है। यहाँ पर मैंने जो टमाटोज हैं वो मैंने रखे हुए हैं अपने, और इसके नीचे वाले एरिया में यहाँ पे इस एयर टाइट कंटेनर में मैंने गार्लिक्स रखी हुई है अपनी, यहाँ ग्रीन पीज हैं ये, और इधर पीछे में यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज रखी हुई है सारी अपनी। यहाँ मैंने कोरिएंडर लीव्स रखी हुई है, और इस बॉक्स में मैंने मेथी रखी हुई है। तो यहाँ जो सब्जियां हैं वो मैंने धोकर और साफ कर कर और यहाँ पर मैं इस तरह से एयर टाइट कंटेनर्स में रख देती हूँ, ताकि मुझे जब भी जरूरत पड़े मैं आसानी से उन्हें निकाल कर और यूज कर सकती हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने वेजिटेबल बॉक्स में क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले ह्यूमिडिटी कंट्रोल है उसे मैंने हाई पे रखा है। लो पर रखने से जो है इसका सारा जो मॉइस्चर होता है वेजिटेबल्स का वो खत्म हो जाता है, इसलिए मैं इसे हाई पर रखती हूँ। तो इस तरह का एक प्लास्टिक का कंटेनर है, उसमें मैं जो छोटी सब्जियां होती हैं जैसे ब्रिंजल हुए, पत्ता गोभी है और लेडी फिंगर है, इस तरह की जो छोटी सब्जी होती हैं, फली वगैरह, वो उस उनको मैं इस बॉक्स में रखती हूँ। और लौकी, शिमला मिर्च, मूली, ये सब अलग से साइड में रखती हूँ। तो इस तरह से मैंने वेजिटेबल बॉक्स को अरेंज किया हुआ था, और ये पूरा फ्रिज पार्ट था। अब मैं आपको इसका डोर साइड दिखाती हूँ। ये डोर एरिया है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोग वेजिटेरियंस हैं इसलिए एग मैं रखती नहीं हूँ फ्रिज में, और यहाँ पे मैंने लेमन रखे हुए हैं एग ट्रे में। यहाँ पर मैंने जिंजर रखी हुई है, और यहाँ कस्टर्ड पाउडर है और कॉर्नफ्लोर है। यहाँ पर मैंने पुदीना रखा हुआ है इस तरह के कंटेनर में, ताकि मुझे इजीली यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर मैंने पानी की बॉटल्स रखी हुई हैं, और अब मैं नीचे दिखाती हूँ आपको। इस एरिया पे जो है मैंने, ये देखिए यहाँ पे मैंने डायजीन रखी हुई है, ये गार्लिक पेस्ट है, और ये किसान का मिक्स फ्रूट जैम है, सॉसेस रखे हुए हैं। और इस तरह से मैंने जो अपना फ्रिज का दो साइड है ये पूरा अरेंज किया हुआ है। तो इस तरह से मैंने अपना पूरा जो फ्रिज है वो ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वो जो बेल बटन आता है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बस इसी तरह देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।